जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार हुआ ख़त्म। एसएससी एमटीएस 2019 रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसका एप्लीकेशन बिगिन डेट है 22 अप्रैल 2019 और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है 29 मई 2019 है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एसएससी में स्कैम चल रहा था, जिसके थ्रू लग रहा था कि इस बार हो सकता है इसके वैकेंसीज आए या ना आए। तो आप लोग के लिए सुनहरा ऑफर आ चुका है, एक मौका मिल चुका है। एसएससी वालों ने ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज कर चुका है, ठीक है। तो सभी से अनुरोध है कि इसके एप्लीकेशन को जल्द से जल्द भरें। इससे और भी रिलेटेड जो डिटेल्स है उसके बारे में जस्ट मैं अभी तुरंत बताता हूँ आपको, चलता हूँ लेकर के साइट पर, ठीक है। चलिए इसके और डिटेल्स देखने के लिए एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जो कि सबका पसंदीदा है, मेरा भी है, सरकारीरिजल्ट.com। तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से पेज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे जैसे ही स्क्रॉल करके आते हैं तो एसएससी एमटीएस 2019 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप टच कर दीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सारा डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा डिटेल्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आप नोटिफिकेशन रिलीज डेट है 22 अप्रैल 2019 और एप्लीकेशन बिगिन डेट है 22 अप्रैल 2019, यानी कि सेम डेट है। तो एप्लीकेशन आज से ही फॉर्म होने वाली है और लास्ट डेट की बात अगर करें तो 29 मई 2019 तक है। पेमेंट करने का डे है जो 31 मई 2019 तक है और लास्ट डेट जो है फी चलान के थ्रू भरने का तो 1 जून 2019 है, ठीक है। सीबीटी एग्जामिनेशन डेट जो टीयर फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में हो जाएगा, 2 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो सिंस इस बार क्या है ना कि जो TCS कंडक्ट कराने वाली है एग्जामिनेशन, तो समय पे ही एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। CBT एडमिट कार्ड जो अवेलेबल हो जाएगा जुलाई में अवेलेबल हो जाएगा और टीयर सेकंड का जो एग्जामिनेशन होगा 17 नवंबर तक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे एप्लीकेशन फ़ीस की बात है तो यहाँ पे OBC और SC वालों के लिए 100 रुपीज़ लगेगा, ST और SC ST और ST, उसके साथ साथ है जो फीमेल कैटेगरीज है सभी को कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट ही हो सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भी या पेमेंट भी ऑनलाइन करना है। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो ये 18 से 25 ईयर्स है, ठीक है। और इसके टोटल पोस्ट का भी कोई अता पता नहीं है, तो नोटिफाई हो जाएगा बाद में, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखिए, यहाँ पे 10th वालों के लिए बेसिकली एग्जामिनेशन निकाली जाती है, तो 10th है, उससे मोड भी पर अगर है ना आपका एक ग्रेजुएशन है, इंटर है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें और क्या डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में भी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। मैंने इसको डाउनलोड पहले से कर रखा है तो इसलिए मुझे डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये ओपन होता है तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा जो आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। ये पूरा जो डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ मैं कि सारा डिटेल्स यहाँ पे जो अभी मैंने डिस्कस किया हो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब चले आते हैं यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स के बारे में, रिजर्वेशंस। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब जो रिजर्वेशन मिलता है वो सब यहाँ पे कुछ दिया हुआ डिटेल्स। तो एक बार एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस को आप डाउनलोड कर लें और इसको थॉरली पढ़ लें, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए इसको शॉर्ट में और भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सब जो है आपका इंडिया का होना चाहिए, नेपाल एज सब्जेक्ट होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, तो ये सब कुछ सिटीजनशिप से एज लिमिट तो बता ही दिया। देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन कुछ मिलेगा वो जो 18 से 25 तक, उसके अलावा भी रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल आपको रिजर्वेशन मिलेगा, OBC वाले हैं तो 3 साल मिलेगा और PWD वाले हैं तो 10 साल का रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। OBC PWD को 13 साल मिलेगा और SC ST वालों को 15 साल का रिजर्वेशन है। जो एक्स मैन सर्विस मैन जो होते हैं, आर्मी, नेवीज, एयरफोर्स, जो रिटायर्ड मैन होते हैं ना, उनके लिए भी रिजर्वेशन आपको दिया हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे और भी डिटेल्स में आप देख पाएंगे यहाँ पे, चलिए उसके बाद देख लेते हैं और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, देखिए
हाँ एप्लीकेशन के लिए है, तो अगर अप्लाई करना है आपको तो ये वेबसाइट है ssc.nic.in पर, यहाँ पे जा करके ऑफिशियली इसको अप्लाई वहाँ से आप कर सकते हैं। इससे पहले आप नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ लें ताकि आपको पता चले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट है, कैसे कैसे किस फॉर्मेट में। अब फीस तो हो गया डिटेल्स में, अब देख लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा, स्टेट वाइज है और वहाँ पे कहाँ कहाँ पे सेंटर है उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, उसके पार्टिकुलर वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे दो दो चरण में एग्जामिनेशन होने वाला है, एक है पेपर वन और एक है पेपर टू। पेपर वन जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। अगर PWD वाले हैं तो उनको 120 मिनट्स मिलेंगे, जैसा कि हर एग्जामिनेशन में मिलता है आपका। तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका सब्जेक्ट होगा जनरल इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। 25-25 मार्क्स का होंगे और 100 टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन भी होंगे और टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। तो ये तो हो गए पेपर वन की बात, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और यहाँ से नेगेटिव मार्किंग की बात होगा, तो एक एक मार्क्स का है जब आप सही जवाब देंगे तो, और अगर गलत जवाब देते हैं तो 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 पार्ट्स आपका कट जाएगा, ठीक है। अगर कोई जवाब नहीं देते तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सोच समझ के एग्जाम दीजिएगा। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे जो पेपर टू है, जो डिस्क्रिप्टिव बोला है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें 30 मिनट्स टाइम मिलेंगे आपको, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। इसमें दो चीज़ पूछा जाता है, एसे और एक लेटर पूछा जाता है। आजकल बैंकिंग में भी ऐसा पैटर्न पे PO लेवल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे है, इसका सिलेबस एक बार फुल देख लीजिए और उसके बाद इसका प्रिपरेशन में लग जाइए, पहले फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट्स आते रहेंगे उसको मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।